हाय फ्रेंड, दिस इज़ पलक मालवीय। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में पपाया फेशियल शेयर करने वाली हूं। बहुत अच्छा फेशियल है। अगर आपके फेस पे कहीं भी पिगमेंटेशन है, कहीं भी स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, या आप चाहते हैं आपके फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो लाना, तो इस फेशियल को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फेशियल करना। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको इस फेशियल में चाहिए। सबसे पहले इस फेशियल को करने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, और जो इस फेशियल का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, वो है पपाया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कुछ पपाया के पीसेस लिए हैं, और फिर आपको इसे अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, इसकी एक प्यूरी बना लेना है। आप इसे मिक्सी ग्राइंडर में ही ग्राइंड करेंगे तभी आपकी अच्छे से प्यूरी बनेगी। अगर आप फॉक की हेल्प से करेंगे तो इतनी अच्छी से आपकी प्यूरी नहीं बन पाएगी। तो आपको इसे मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके एक प्यूरी बना लेनी है। तो देख सकते हैं हमारी ये पपाया प्यूरी बनके रेडी हो गई है। बहुत अच्छे से ये बन गई है। अब हम इससे अपना फेशियल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है क्लींजिंग। क्लींजिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। आप देख सकते हैं एक चम्मच मैंने सूखा दूध लिया है। कोई भी ब्रांड का यहाँ सूखा दूध ले सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग एक चम्मच के करीब पपाया प्यूरी ऐड करेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारी क्लींजिंग बनके रेडी हो गई है। अब हम इससे अपना फेस अच्छे से क्लीन करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारा क्लींजिंग बनके रेडी हो गया है। आइए हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। हमारा क्लींजर बनके रेडी हो गया है। अब मैं फिंगर्स की हेल्प से इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी, और लगभग एक मिनट तक मैं इसकी मसाज करूंगी ताकि मेरा बिल्कुल फेस अच्छे से क्लीन हो जाए। और बहुत अच्छा वाला क्लींजर है, बिल्कुल डीपली आपके फेस की क्लीनिंग करता है। जितनी भी डर्ट इम्प्योरिटीज आपके फेस पे हो उसे रिमूव करता है। इसमें हम लोगों ने ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन को क्लीन करने के साथ साथ हमारी स्किन के टोन को भी बहुत इम्प्रूव करता है। और पपाया तो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है अपने फेस की। अब मैं इसके वाटर के साथ वॉश कर लूँगी। सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में लाल मसूर दाल का पाउडर लिया है। आप लोग देख सकते हैं हल्का सा दरदरा है। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। मसूर की दाल को आप मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर दीजिए और आपका मसूर दाल पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। हल्का सा आपको कोर्स रखना है उसे, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है। तो ये आधा चम्मच के करीब मैंने लाल मसूर दाल पाउडर लिया है। देन नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है हमारा चीनी। यहाँ आधा चम्मच के करीब मैंने चीनी इसमें ऐड करी है। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एक चम्मच के करीब इसमें मैं पपाया प्यूरी ऐड करूंगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देख सकते हैं मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा स्क्रब बन के रेडी हो गया है। अब इससे हम हमारे फेस की स्क्रबिंग करेंगे। तो हमारा ये स्क्रब बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे और फिर 5 मिनट तक इसकी स्क्रबिंग करेंगे। जब भी आप स्क्रबिंग करें तो हमेशा आप फिंगर्स की हेल्प से स्क्रबिंग करें और बिल्कुल जेंटल आपके फिंगर्स आप अपने फेस पे रखें। सर्कुलर मोशन में जहाँ जहाँ भी आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम है उस एरिया पे ज़्यादा फोकस करते हुए आप अच्छे से मसाज कीजिए। जितने भी आपके फेस पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होंगे उसे रिमूव कर देगा अच्छे से। बिकॉज इसमें हम लोगों ने शुगर ऐड की है जो कि नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह हमारे स्किन पे वर्क करेगी। डेड स्किन को रिमूव करेगी हमारे फेस से और स्किन को सॉफ्ट और ग्लोई भी बनाएगी। एजिंग को भी प्रिवेंट करती है। एंड इसमें हमने लाल मसूर की दाल ऐड की है, वो भी हमारे फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट करेगी। जितनी भी डेड स्किन है उसे रिमूव करेगी। और पपीता भी हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हमारी स्किन को जितनी पिगमेंटेशन और दाग धब्बे उसे दूर करता है। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसकी मसाज कर ली है। मसाज करने के बाद इसे मैं नॉर्मल वाटर के साथ वॉश कर लूँगी। बनाएंगे हमारी फेस मसाजिंग क्रीम। मसाजिंग क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक बोल में एक चम्मच के करीब पपाया प्यूरी ली है। देन इसमें मैं ऐड करूँगी अब आधा चम्मच हनी।
आप कोई भी ब्रांड का या हनी ले सकते हैं, और इन दोनों को अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। एंड जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ये विटामिन ई का कैप्सूल, आपको इजीली किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा। तो एक विटामिन ई कैप्सूल आपको इसमें डालना है, तो वो एक विटामिन ई का कैप्सूल मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास विटामिन ऑयल नहीं है, इसका कैप्सूल नहीं है, तो आप इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर आप बादाम का तेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये हमारी मसाजिंग क्रीम बनके रेडी हो गई है, अब इससे हम हमारे फेस की मसाज करेंगे। ये हमारी मसाजिंग क्रीम बनके रेडी हो गई है, अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। और लगभग 10 मिनट तक आप इसकी अच्छे से अपने फेस पे मसाज कीजिए, ताकि बिल्कुल आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी करें। बहुत अच्छी फेस मसाजिंग क्रीम है, इसमें हम लोगों ने हनी ऐड किया है, जो कि आपके एक्ने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन भी करेगी, स्कार को फेड करती है, एजिंग का प्रॉब्लम है तो उसे भी दूर करती है, आपकी स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज ग्लोई बनाती है, पोर्स को क्लीन करती है। और इसमें हमने विटामिन ई ऑयल डाला है, तो जो कि हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज और नरिश करता है, हमारी स्किन पे एक हेल्दी ग्लो देता है, हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो उससे भी दूर करता है, और जितनी भी डर्ट हमारे पोर्स में उसे भी रिमूव करता है। तो बहुत अच्छी मसाजिंग क्रीम है, तो अच्छे से आप फेशियल के स्टेप्स फॉलो करते हुए इसकी मसाज करें, और फिर उसके बाद में इसे पानी के साथ धो लें। बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में मुल्तानी मिट्टी ली है 1 चम्मच के करीब। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच आप या तो मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, या फिर 1 चम्मच बेसन ले लीजिए। देन हमारा नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो है हल्दी। यहाँ पर 1 पिंच के करीब कस्तूरी हल्दी ली है, और आपको इन दोनों को मिक्स कर देना है। एंड अब हम इसमें 1 चम्मच पपाया प्यूरी ऐड करेंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, हमारा फेस पैक बनके रेडी हो गया है, अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो हमारा फेस पैक बनके रेडी हो गया है, अब हम इसे फिंगर्स की हेल्प से या तो आप ब्रश की हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इसमें हम लोगों ने मुल्तानी मिट्टी ऐड की है, जो कि हमारे एक्ने स्कार्स को भी फेड करेगी, अगर हमें एक्सेस ऑयल का भी प्रॉब्लम है स्किन में तो उसे भी प्रिवेंट करेगी, और स्किन को भी काफ़ी टाइट बनाएगी, रिंकल्स का प्रॉब्लम है तो उसे भी ये दूर करेगी। एंड इसमें हम लोगों ने हल्दी ऐड की है, कस्तूरी हल्दी, तो वो भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन के टोन के लिए, स्किन के टेक्सचर के लिए बहुत निखारती है आपके स्किन को वो। तो इवनली आप इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। एंड इस फेशियल को आप 15 डेज में एक बार आराम से कर सकते हैं। होममेड पपाया फेशियल है, एंड ऑल स्किन टाइप फेशियल है, कोई भी स्किन टाइप आपका हो आप इसे आराम से कर सकते हैं, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अच्छे से आप इवनली इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, और फिर उसे 20 मिनट बाद वॉश कर लीजिए। तो देख सकते हैं मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और रिजल्ट आपके सामने है। ग्लो भी फेस पे आ गया है, स्किन सॉफ्ट भी हो गई है, और काफ़ी अच्छी स्किन, बिल्कुल रिफ्रेशिंग स्किन लग रही है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।